देख लो जी कुछ ऐसा है ये टेंपल है तो जो भी बोलो बहुत खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का मैं शुरुआत कर रहा हूँ बैंकॉक से, बैंकॉक के इस बैंकॉक पैलेस होटल से। और आज होने वाला है अपना बैंकॉक सिटी टूर, वही अभी फटाफट भाग रहा है। ब्रेकफास्ट आज स्किप हो गया, उठने में लेट हो गया, सुबह 8 बजे का टाइम दिए थे, मतलब इंडिया टाइम सुबह के समझो 6:30 बजे या 7 बजे। अब गाड़ी कहाँ है पता नहीं, तो ऑलरेडी बाहर अपनी गाड़ी आ गई है, अभी पता करना है कौन सी है। ये जो अपना सिटी टूर होने वाला है ना, ये ग्रुप में होने वाला है, देख लो और भी अलग अलग होटल से काफी लोग हैं। और आज तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ स्किप हो गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। होटल बैंकॉक पैलेस। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपने पहले लोकेशन पे और थोड़ा सा ये हो गया ना, उठने में काफी लेट हो गया तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ स्किप हो गया। और मेरा क्या है ना, मैं लंच स्किप करके रह सकता हूँ लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खाली पेट हो जाता है ना। यहाँ पे ये टेम्पल है और ये अपनी गाइड है जो हमें गाइड करेंगे। यहाँ पे एंट्री हो गया, टाइमिंग देख लो, ये सुबह 5 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। और इसका जो एंट्री फी है 50 baht पर पर्सन। और ये देख लो यहाँ पे टिकट 50 baht पर पर्सन। और ऐसा कुछ कपड़ा पहन के आप नहीं आ सकता, देख लो। ओके चलो एक काम करते हैं, फोटोज वगैरह ले लेते हैं। और ऊपर से आज बादल अच्छा है ना, तो फोटो के लिए बादल इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा अच्छा निखर के आता है। और आईफोन बहुत बढ़िया काम भी करता है, तो एक काम करना आप लोग इंस्टाग्राम में भी आ जाना मेरा स्टोरीज और फोटोज देखने के लिए। तो चलो कुछ फोटोज लेते हैं। तो ये जो है ना, ये मार्बल टेम्पल है, बाकी इसका जो हिस्ट्री है आप लोग विकिपीडिया कर लेना यार। और ये जो देख रहे हो ये पूरा इटालियन मार्बल है, जो मैडम जी समझा रही है वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यही बात हो गया ना, या मैडम से सुनवाऊं या फिर आप गूगल सर्च कर लो, वो ज्यादा बेटर है। देख लो जी कुछ ऐसा है ये टेम्पल है तो जो भी बोलो बहुत खूबसूरत है। मार्बल टेम्पल अपना घूमना हो गया है, अभी जाते हैं दूसरे लोकेशन पे। वैसे तो देखो जानने के लिए बहुत कुछ है अंदर में, जैसे कुछ कुछ यहाँ पे स्टैचू सब बना हुआ है और यहाँ पे प्रेयर भी हो रहा है, देख लो ये थोड़ा क्लोज देख लो। तो चलो जी अब अपने निकल गए हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो सिटी टूर अपना अच्छा ही हो रहा है, स्टार्टिंग मार्बल टेम्पल से हुआ, नेक्स्ट हम लोग कोई तो गोल्डन बुद्धा टेम्पल जा रहे हैं। और देख लो हम लोग सबको अलग अलग बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई ब्लॉगिंग में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल राइट तो अभी हम लोग आ गए हैं गोल्डन बुद्धा देखने के लिए, जहाँ पे जो बुद्धा है ना वो प्योर गोल्ड के हैं। ये बता रहे थे शायद 5500 किलोग्राम के गोल्ड से बनाया गया है उनको। पहुंच चुके हैं गोल्डन बुद्धा टेम्पल। और यहाँ का अंदर का जो एंट्री फी है ना 100 baht पर पर्सन है फोर्थ फ्लोर के लिए। यही है देख लो, प्योर गोल्ड 5,000 भाई साहब, 5,500 किलोग्राम के गोल्ड से बनाया गया है। अभी हम लोग ग्रुप में घूम रहे हैं ना, तो एक ग्रुप फोटो मैंडेटरी है। ये एंट्री है देख लो, अंदर वीडियो तो अलाउ नहीं है, फोटो से ही दिखाना पड़ेगा आपको। अभी हमें फोर्थ फ्लोर पे जाना है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आ रहे हो तो इस टाइप का ड्रेस पहन के मत आना जो कि अलाउ नहीं है। एक काम करते ऊपर जाते, ऊपर जाके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे चप्पल खोल के रखना पड़ता है, अंदर जाने के लिए आपको शूज स्लीपर यहाँ पे उतार के जाना पड़ेगा। और यहाँ से व्यू देख लो एक बार, यहाँ देख लो, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। अभी सीन क्या है कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। ऑलराइट तो देख लो ये गोल्डन बुद्धा टेम्पल से हम लोग निकल गए। अंदर में वाकई में गोल्ड से बना हुआ काफी बड़ा बुद्धा था, बट अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। वीडियोग्राफी देखो मैं कर सकता था, कोई ऐसा रोकने वाला नहीं था, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन रूल है तो रूल है। भाई अभी हम लोग टेम्पल के बाहर आ गए और गर्मी है भाई, अलग ही गर्मी है यहाँ पे, मतलब बाहर में आप खड़े नहीं रह पाओगे, ऐसा गर्मी है। ये फैन के सामने बैठ गए पानी का बोतल लेकर, ये 10 baht का एक पानी का बोतल है, दो लिया हम लोगों ने। अच्छा टेम्पल था गोल्डन बुद्धा टेम्पल, आप जा सकते हो। तो आप थोड़ा इवनिंग के टाइम ही आना मैं बोलूंगा, ऐसा इतना धूप में मत आना। एक्चुअली इतना गर्मी है ना बाहर घूमे जा रहे थे हम लोग अभी, और दो एक स्लीपिंग बुद्धा देखने जाना था हमें, और एक म्यूजियम जाना था जहाँ मोती का म्यूजियम होता है। हम लोग बोले कि नहीं भाई छोड़ो, एक काम करते हैं रूम जाते हैं,
भाई अभी इतना मतलब जल रहे हैं, पूरा लिटरली पूरा जल रहे हैं, पूरा पसीना पसीना एकदम अजीब सा लग रहा है, ना व्लॉग हो पा रहा है ढंग से ना कुछ, और मैक्सिमम जगह अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, तो फिर जाके क्या फायदा। तो अभी हम लोग टैक्सी देख रहे हैं, अगर ये टैक्सी हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये टेम्पो लेके चले जाएंगे। और जो स्लीपिंग बुद्धा है ना, वहाँ भी वीडियो अलाउ नहीं है, तो जाके मैं क्या करूँ फिर। 3 पर्सन बैंकॉक पैलेस होटल, बैंकॉक पैलेस नियर मेट्रो स्टेशन। 200 baht और वेरी एक्सपेंसिव। हाउ मच? 60 baht. ये टुक टुक में जाने का बहुत मन था, लेकिन 200 बाट बोल रहा है, मेरे को लगता है 100 भी बोलने से जा सकते हैं। I'll give you 100 baht, okay? 100 baht. I stop to see the jewelry shop. Only looking 10 minutes. I can stand free and then go to the hotel. I have my company. No, stop. Direct. तो देख लो जी, अपना टैक्सी हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे, और अंदर में देख लो आपको कैब के अंदर भी फ्री वाईफाई मिलता है। टैक्सी तो है यहाँ पे बहुत बढ़िया भैया। तो यहाँ पे देख लो रेट वगैरह भी प्रॉपर लिखा हुआ है, लाइक कहाँ जाने का क्या रेट है। और अक्षय हो सके यहाँ से कहीं और के लिए निकलेगा, उसको कुछ और अलग सा एक वीडियो बनाना है, तो भाई इसको अभी स्टेशन ड्रॉप करना है, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे होटल बैंकॉक पैलेस। तो यहाँ का ये देख लो बैंकॉक का रेलवे स्टेशन है। वैसे जो मेरा पूरा पैकेज है बैंकॉक पटाया जो भी आपने देखा अभी तक, ये मैंने जॉली हॉलीडेज से लिया है। इनका एक कुछ ऑफर भी चल रहा है, 15,000 में आपको थाईलैंड का पैकेज मिल रहा है विदाउट फ्लाइट, तो वो भी आप चेक कर सकते हो इनके वेबसाइट या फिर कॉल करके, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या हुआ? अरे रे रे रे, तो भाई साहब देख लो रूम में आके ही अब थोड़ा लंच का भी टाइम हो गया था, तो लंच के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था नूडल्स। ये जो देख रहे हो ना, इन्होंने क्या क्या चीज डाला हुआ है, बड़ा अजीब सा टेस्ट लग रहा है। ये वैसे चिकन नूडल्स है, टेस्ट बिल्कुल भी अजीब है, कुछ तो सॉस इन्होंने यूज किया है, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, खाया ही नहीं जा रहा है ये तो एकदम। वैसे हमारा सिटी टूर में और भी 2 पॉइंट बचा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक स्लीपिंग बुद्धा और एक कुछ तो लाइक वो मोती का होता है ना म्यूजियम वगैरह एक था कुछ। मैं बोला नहीं, थोड़ा रूम में जाते हैं, नहीं तो भाई बैंड बज जाएगा ऐसे बाहर घूम के धूप में, मतलब चला भी नहीं जा रहा है, कहीं कहीं चप्पल खोल के आपको अंदर जाना है ना भाई, अब चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा हाल था। फिलहाल रूम आ गया मैं, अपना काम वगैरह सारा जो था वो कम्प्लीट कर लिया, अभी फिलहाल बाहर निकलते हैं, देखते हैं प्लान करते हैं कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं, क्योंकि आज हमारा डे में बस सिटी टूर था, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करवाया था हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए भी टाइम चाहिए था हमें, तो वही सोच रहे हैं थोड़ा बाहर बाहर घूमते हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग कर सकते हैं क्या नहीं, यहाँ का आसपास में मॉल वगैरह में भी घूमेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। चलो एक काम करते हैं, एक ही बार ये वीडियो को बाहर से ही कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, हम लोगों ने कैब बुक कर लिया है, तो अभी अपना चिप्स कोल्ड ड्रिंक ले रहा था तभी अपना कैब भी आ गया, भागते भागते आए भाई, बड़ा फास्ट सर्विस है यार, और क्या नया नया कार भेजते हैं। जैसे अपना जो कार है ना ये वाले लेन में, ये लेन खाली है, ये चाहे तो इधर से भी जा सकते इधर से भी जा सकते, लेकिन नहीं, जितना भी ट्रैफिक हो ये अपना लेन नहीं छोड़ सकते, और हॉर्न बजाते हुए तो मैंने देखा ही नहीं है भाई किसी को। मेरे को तो डाउट होता है, पता नहीं इनके कार में हॉर्न होता भी है या नहीं। और कार का कलर सब देख लो यहाँ पे, कितना खूबसूरत है, ग्रीन येलो पिंक, काफी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलाता है ये, लेकिन यही है ये ड्राइवर सब ना इंडिया में कार नहीं चला पाएंगे फिर, हॉर्न तो यूज ही नहीं करते ये, लेकिन बढ़िया लगता है यार देख के सब चीज, और क्या ही बोलूं। ये टोयोटा का कौन सा मॉडल है यार, अल्फार्ड मॉडल, ये अपने इंडिया में नहीं दिखेगा आपको। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देख लो यही कुछ मॉल है, बता रहे थे बढ़िया मॉल है यहाँ का, क्या सेंट्रल वर्ल्ड। और मैंने गूगल में चेक किया तो इसका रेटिंग भी अच्छा दिख रहा था, ये बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर है। चलो जी फाइनली पहुंच गए मॉल, तो टोटल मेरा लगा है 136 baht, तो ये देख लो यहाँ का 100 baht का नोट है, ये 20 baht का नोट है, ये जो कॉइन देख रहे हैं 5 baht है और छोटा वाला 1 baht है, 120 36 काउंट। ओके गर्मी देखो बाहर, गर्मी अलग ही गर्मी है भाई बाहर, मतलब अभी हम लोग एंटर हो जाएंगे ये सेंट्रल वर्ल्ड मॉल में, ये तो लोकल मॉल जैसा लग रहा है ना, ये स्मेल देखती हो एक कार वार में भी आता है ना ऐसा स्मेल, एक अजीब सा स्मेल है जो कार में भी आता है मॉल में भी आ रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, घूमते हैं थोड़ा सा मॉल में, और मॉल में ना घूमते घूमते खाने का जगह ढूंढ रहे थे भाई साहब, यहाँ तो मतलब कुछ भी खाते हैं लोग, कुछ भी, मतलब आप अपना आंख बंद करो और कोई भी जानवर का नाम याद कर लो भाई, हर चीज खाते हैं लोग यहाँ पे, खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फाइनली हमें KFC दिखा। यहाँ पे देख लो हम लोगों ने फ्राइज वगैरह ले लिया है, ये सेफ दिख रहा था ये, बाकी ये मैंने कुछ एक बॉक्स लिया है जो कि यहाँ पे मिलता है। पैकिंग वगैरह देख लो भाई कितना बढ़िया है इनका, बहुत बढ़िया लगता है इनका पैकिंग वगैरह करने का तरीका। ये जो कोक है ये भी रिफिल कर सकते हो आप, ये जो राइस बॉल मैं ट्राई कर रहा हूँ ना इसका तो टेस्ट एकदम ही गंदा है, स्पेशली ये जो ऊपर में इन्होंने डाला है ना कुछ, ये अजीब सा लग रहा है, ये कैसा है पता नहीं, क्या नाम भी नहीं पता मुझे, ये अच्छा है ना, ये बता रही है ये अच्छा है,
बाकी इनका फ्राइड चिकन वाकई में बहुत अच्छा है। ऑल राइट, तो ऐसे ही मॉल के अंदर घूम रहे थे और यहाँ पे देख लो भाई, मॉल में तो आपने देखा होगा बहुत सारा कार को ऐसे ही रखा रहता है एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ पे देख लो कौन सा कार रखा हुआ है, टेस्ला का कार सब रखा हुआ है। देख लो जी क्या सही लग रहा है यार ये देखो। अभी मॉल के बाहर तो निकल गए और बाहर का ये नजारा है देख लो भाई। कुछ भी बोलो ये जगह लग तो काफी कमाल का रहा है, अच्छा है। वैसे धूप कम हो गया है लेकिन गर्मी अभी भी है, मतलब पसीना तो अभी भी आ रहा है। यहाँ पे देख लो समर स्ट्रीट फूड, एक अलग से बना हुआ है काउंटर। यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरे को अभी वाटरमेलन जूस पीना है। बाकी ये थोड़ा और रात होगा ना तो और भी कमाल का लगेगा। ये देख लो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रूट जूस सभी मिल रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम है समर स्ट्रीट फूड। जैसे यहाँ पे देख लो कोकोनट वाटर मिल रहा है, ये आपको याद होगा मैंने पटाया में खाया था। ये सब तो बात ही छोड़ दो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना आपको जितने तरह का मीट याद है हर कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ मैक्सिमम सी फूड मिल रहा है, ये चीज अच्छा है। तो यहाँ से मैं जूस बनवा रहा हूँ, 100 बाट का है भाई, मतलब ये वाटरमेलन जूस। और यहाँ पे जब भी आप जूस वगैरह बनाओगे ना तो आप एक चीज देखना, ये लोग एक क्या स्कैम करते हैं, ज्यादा करके बर्फ डाल देते हैं तो आपका सामान इतना रह जाता है, बर्फ इतना हो जाता है, तो बर्फ आप जितना हो सके कम डलवाना। देख लो पानी मैडम बैक टू बैक डाले जा रही है। फाइनली ये टुक टुक राइड लेने का मौका मिला मुझे, बस अपना पैर फैला के बैठ जाओ। अच्छा है यार ये वैसे है तो ये टुक टुक ही, लेकिन ये जो हमारे वहां जो टुक टुक चलता है ना उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है मेरे को, एकदम स्पीड ज्यादा है इसमें। और इसमें बैठ के ना आपको एसी का जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही हवा आएगा। ऑलराइट, तो सारा शॉपिंग वगैरह करके जो एक दो सामान सब लेना था, मतलब वही मैग्नेट वगैरह हम लोगों ने लिया है, दिखा दो थोड़ा सा शॉपिंग के नाम पे, वही घर वालों के लिए थोड़ा मैग्नेट वगैरह लिया है। तो देख लो अभी मैं रूम में आते ही ये अमृतसर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है। प्लान तो था वहाँ जाकर खाने का, लेकिन रूम में आने के बाद बाहर निकलने का मन ही नहीं किया, तो रूम में ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है, जिसमें एक छोले भटूरे है और दो मैंने पनीर कुलचा ऑर्डर किया है। तो यही आज रात का अपना डिनर होगा, देखकर खाना बहुत अच्छा लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं फिर बता देंगे बाद में कैसा था खाना यहाँ का। कल रात में डिनर करने के बाद तो सो गए थे, वैसे मैं बता दूं वो जो कुलचा हम लोगों ने खाया बहुत ज्यादा ऑयली लग रहा था, मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा था, लेकिन यही है अगर आपको थाईलैंड में इंडियन खाना मिल रहा है यही बहुत है। इससे भी अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है जो कि मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं कवर कर सकता हूं तो जरूर करूंगा मैं। और ये देख लो मेट्रो, तो अभी काम करते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट बूफे कल वाला तो स्किप हो गया था, आज कर लेते हैं। तो यहाँ लगा था ब्रेकफास्ट बूफे और कल रात में इतना हेवी मैंने खा लिया था ना, इसलिए बस यही लेकर आया हूँ मैं और यही होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो वही अपना ब्रेकफास्ट हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, देख लो फिर से अक्षय भाजी ने ज्वाइन कर लिया है। कैसे जी, अगर आपको प्रॉपर फॉरनर वाली ट्रिप टच चाहिए ना तो वहाँ चले जाओ। और जिनको भी थाईलैंड का रेलवे या फिर बस का वीडियो देखना है तो भाई का चैनल विजिट कर लेना, वीडियो मिल जाएगा आपको। कब मिल जाएगा, 2-3 दिन बाद? हाँ, 3-4 दिन बाद देख लेना, जर्नीज विद AK। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं और ये देख लो बाहर के नजारे, और आज देख लो वेदर क्या मस्त वेदर हो रखा है यार। फिलहाल अपना लगेज भी हो गया रेडी, अभी हम लोग इसे होटल में रख के ही जाएंगे। और मैडम कल नया बैग अपना लिए, दिखा दो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन चलो निकलते हैं फटाफट। चलो जी हमारा अभी चेकआउट हो गया है, ओवरऑल मैं बोलूँगा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, स्पेशली हम लोगों ने काफ़ी कम ही जगह सब विजिट किया, बहुत सारा जगह था, फ्लोटिंग मार्केट ये वो बहुत सारा जगह हम लोग जा सकते थे, एक जंगल सफारी भी था, लेकिन हम लोग टाइगर पार्क देखे हुए थे इसलिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ किया नहीं हम लोगों ने फिलहाल। हाँ फुकेट का हमारा प्लान है, अगर देखेंगे अगर अच्छा लगा तो एक फुकेट का भी अलग से सीरीज आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले जाते हैं घर उसके बाद। बट अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ से कुछ लंच वगैरह करने के लिए कोई बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट में। और देखो आप में से काफ़ी लोग बोले थे मोहित भाई आप यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करो, स्ट्रीट फूड ट्राई करो। भाई मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने कल ही गया था, लेकिन सीन क्या है ना, खाना देखो मिल तो बहुत कुछ रहा है, वेज में 2-3 ही ऑप्शन दिखा, जो जूस एंड फ्रूट्स का ऑप्शन दिखा मुझे, और जहाँ मिल रहा है ना वो भाई खा कर मैं नहीं दिखा सकता। बगल में भाई क्रोकोडाइल का मीट मिल रहा है, डक का मीट मिल रहा है, कल हम लोग वो क्या देखे, डॉग को पूरा उल्टा था। भाई मतलब डॉग को उल्टा लटका कर रखे हैं। मैं ट्राई करने गया था स्ट्रीट फूड, हम लोग निकल भी गए, वो क्या एक था ना जो हम लोग को टुक टुक वाला ने उतारा था, मैं कैमरा ऑन मतलब ऐसे ऑन करके रखा, जगह देख के मैं बोला नहीं ये नहीं दिखा सकता मैं। भाई स्कॉर्पियो होता है ना स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को एक सीख में ऐसे लगा के उसको रोस्ट किया हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है, खाना नहीं खाया, वो ऐसे पानी पा रहा देगा। वहाँ पे चिकन और एग का भी बहुत सारा आइटम मिल रहा था, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हुआ खाने का मेरे को वहाँ पे, और ना ही मैं इस चीज को दिखा सकता था। वैसे भी जो मैंने टाइगर पार्क का दिखाया उसमें भी काफी लोग कमेंट आ रहा है मोहित भाई ये प्रमोट मत करो,
इनको ड्रग दिया जाता है, ये दिया जाता है। तो इसके बारे में सच बताया मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे को लगा वो सारे ट्रेंड टाइगर है, दैट्स व्हाई वो ऐसे शांत शांत रहते हैं। काफी लोग कमेंट किए हैं, आप अपने वीडियो का कमेंट भी चेक करना कि इसको नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि टाइगर को ड्रग दे के ये कंट्रोल करते हैं। कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये लाइक ये टूरिस्ट का सबसे मेन अट्रैक्शन में लिखा हुआ था ये। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ये दिखाकर। अभी आ रहा है कमेंट, मोहित भाई यहाँ का थाई फूड ट्राई करो, अच्छा थाई फूड नहीं हो पाएगा, सॉरी ब्रो, सॉरी। तो अभी हम लोग कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ये अपना होटल है बैंकॉक पैलेस, भाई अंदर से पता नहीं चलता, बाहर से देख लो वाकई में बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख लो रमाडा का प्रॉपर्टी भी है, इसके आसपास में आपको बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जस्ट रमाडा सर्च कर लो अगर आपको इंडियन खाना खाना है थाईलैंड में तो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना यहाँ के होटल में ब्रेकफास्ट बुफे भी लगता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं रहता है, मैक्सिमम चिकन और एग रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बीफ पोर्क ये सब नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टे करते हैं, दैट्स व्हाई। इसलिए यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको बहुत मिल जाएगा, देख लो धमाका हो गया, इधर देख लो गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जैन फूड सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, देख लो, याद रखना ये रमाडा होटल है, रमाडा होटल आ जाओ, इसके आसपास में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा एक अमृतसर है, अमृतसर रेस्टोरेंट जहाँ से मैंने खाना ऑर्डर किया था वो भी ठीक है, वो देख लो वहाँ पे एक ब्लू रंग का बोर्ड दिख रहा है ना, वो आंध्रा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे राधा कृष्णा, ये भी बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, चलते यही चलते हैं। प्योर वेजिटेरियन, हाँ तो ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है भाई। थाईलैंड में आकर अगर आपको अच्छा खाना ढूंढना है तो देख लो, अगर अच्छा हो गया ना तो पक्का रिकमेंड करेंगे भाई, मजा आ जाएगा। चलते हैं राधा कृष्णा में। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग राधे कृष्णा में, और आते ही सबसे पहले तो ये मैडम जी का चाय, हम लोगों ने बोला भैया आप चाय है, तो बोला हाँ है, मतलब लेके आ जाओ, देखो कितनी सही लग रही है, देखकर भी अच्छा लग रहा है, लो पियो चाय, अब नो कंप्लेन है। तो हाँ चाय आ गया, लेकिन हाँ मैंने एक चीज नोटिस किया है, काफी लोगों के मुँह से आपने सुना होगा थाईलैंड घूम के आ जाओ वो सस्ता, थाईलैंड घूम के आ जाओ वो सस्ता, सस्ता लगा आपको? मतलब भाई साहब मोटा मोटा 10,000 baht के बाद मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी पड़ी थी, वो भी एक्सचेंज करा ली, वो भी खत्म, अब 60-70 वैसे वही कुछ नोट पड़े हैं, खत्म भाई। भाई बिल्कुल भी, मैं तो कितना मैं बता दूं, मैं लेकर आया था इंडियन करेंसी में 54,000 या 55,000, सारा खत्म कर दिया मैंने, कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा 10,000 baht पता भी नहीं। मैं सीधा बता देता हूँ आपको, 1 baht की 100 baht आप जितना पैसा डालोगे उतनी मीठा ट्रिप होगा, है ना, आप अच्छे में भी घूम सकते हो लेकिन आपको पूरी कंजूसी करनी पड़ेगी, वाटर एक्टिविटी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, और इंडियन खाना तो आप खा ही नहीं सकते कंजूसी में, वो 20 baht में आपको फिर वो चिकन विकन गंदा मिल जाएगा। ये प्राइस देखो पहले तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो पॉज करके ये जो प्राइस है ना भाट में, ये 150 rupees नहीं है, ये 150 baht है, और 150 baht को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन 120 baht का, आप आइडिया लगा सकते हो, अरे 250 rupees किलो मिलते हैं एक गुलाब जामुन। तो भाई मैं बोल रहा हूँ सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, खाना बहुत महंगा है, एकदम रेट जो है ताज वाला रेट है ये, बाकी मस्त एकदम इंडियन गाना चल रहा है अंदर में। हाँ जी, तो देख लो ये हम लोगों ने अपना ऑर्डर कर लिया है, मेरा पनीर कुलचा, अक्षय का मसाला कुलचा, तुम्हारा क्या है? आलू, ये आलू पराठा है, वही कुलचा समझो, आलू कुलचा समझो, और साथ में ये क्या पनीर है, ये पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला, दिखने में सही लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, खाना भी सही लग रहा है, खाते हैं, खाने के बाद आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो ये देख लो जी हम लोगों ने खाना ट्राई किया, अक्षय भाई कहाँ थे हम लोग 4 दिन, राधे श्याम जी आप, राधे कृष्णा जी कहाँ थे आप, कृष्णा पधार गए भाई। ये खाना भले महंगा है लेकिन ये खाना खाने में भले हमारा बजट खराब हो जाए लेकिन भाई ये खाना, यही खाना खाना है हमें। तो आप देख लो ये राधे कृष्णा रेस्टोरेंट है रमाडा होटल के जस्ट पास में, बैंकॉक में अगर आप स्टे कर रहे हो, अच्छा खाना ढूंढ रहे हो तो राधे कृष्णा आ जाओ, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। मैंने तो पनीर कुलचा खाया, पनीर टिक्का मसाला, एक नंबर। चलो बिल आ गया है, एक गेस करो कितना भाट आया होगा, 750 वैसे 813 baht का टोटल बिल आया है, बहुत बढ़िया था, स्पेशली कुलचा, पनीर कुलचा जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है, और चाय भी। हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग लंच करके निकल गए हैं भाई, मजा आ गया लंच करके, आप भी अगर आते हो तो जरूर आना इधर में। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो रमाडा बैंकॉक इसके जस्ट सामने में ही है। ये वाले वीडियो को एक काम करते हैं यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि अभी आज रात का मेरा फ्लाइट है, तो फ्लाइट वाला ब्लॉग को मैं सेपरेट रखता हूँ। तो अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हो मोहित भाई पैकेज का क्या रेट है क्या नहीं,
सब बताएंगे भाई, थोड़ा सा घर पहुंच जाने दो, खर्चा सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा, अच्छा खासा खर्च है यहाँ पे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, घर पहुंच जाएंगे तो एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। कमेंट करके बता देना कि क्या क्या चीज का मैं रेट बताऊं। नोट लेकर आए थे, याद कर लेना, छुट्टे पैसे लेके जा रहे हैं, पूरी ऐसे जेब में रखा कैश है, ये जेब में रखे सिक्के ही हैं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Sospirando